डभोई तालुका के सिमड़िया नारायणपुरा के पास आए हुए आरसीसी ब्रिज पर रेलिंग अभाव होने के कारण यहां पर वाहन चालकों के गंभीर रोड हादसे होने की संभावनाएं बढ़ी है। डभोई तालुका के सिमड़िया से भागोड़िया खेरवाड़ी को जोड़ते रोड के बीच यहां पर वढ़वाना सिंचाई तालाब के पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए कैनाल गुजरती है, तो वहीं यही रोड पर गुजरते वाहन चालकों के लिए सिमड़िया और नारायणपुरा के बीच एक आरसीसी ब्रिज भी बनाया गया है। लेकिन लंबे वक्त से ये ब्रिज की दोनों साइड रेलिंग का अभाव होने के कारण ये रोड पर से गुजरते वैसे वाहन चालकों को रात के वक्त गहरे 15 से 20 फीट गड्ढे में गिर पड़ने की संभावनाएं बढ़ी है, तो वहीं कई बार वाहन चालकों के गंभीर रोड हादसे भी यही स्थल पर हो चुके हैं। स्थानिक लोग और राहदारियों द्वारा ढेरों बार यहां पर रेलिंग लगाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक नगर पालिका तथा तंत्र द्वारा कोई भी दरकार नहीं करते हुए यहां पर रेलिंग अभाव के कारण आए दिनों और भी गंभीर हादसे हो रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में यहां पर जल्द से जल्द ब्रिज की दोनों साइड रेलिंग लगाने की लोक मांग की जा रही है। અત્યારે સિમરિયાથી ખેરવાડિયા રોડ પર જે સિમરિયા અને નારણપુરા વચ્ચે જે વઢવાણા કેનાલનો ઓવરટેન્કનો ક્રોસ નિકાલી ક્રોસ ઉપર જે નાળું બનાવવામાં આવ્યું છે આરસીસીનું, એમાં નથી કોઈ એંગલ નાખ્યા કે નથી કોઈ પાઇપો નાખી, કાલ ઉઠીને કોઈ બી છોકરું પડે તો 15-20 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં પડે તો છોકરું તણાઈ જવાની શક્યતા છે અને મરણ પામવાની શક્યતા છે, જેથી લાગતા વળગતા અધિકારીએ જાતે સ્થળ પર આવી નિરીક્ષણ કરી અને યોગ્ય લાગે તેઓ કામ પગલાં ભરવા મારી વિનંતી છે। વાહનો પસાર થાય છે ખરા? હા, ઉપરથી વાહનો ભાગોળિયા ખેરવાડી બસ છે, પછી મોટી ટ્રકો છે, માટી મેટાલિંગમાં ચાલે છે, એ ઘણા વાહનો થાય છે।